पिछले साल सरकार ने बहुत बड़ी साजिश के साथ रात को 2:30 बजे गांधी समाधि उखाड़ कर दूसरी जगह लेने का काम किया था। आज भी वो समाधि अंधेरे में है और 2 अक्टूबर नज़दीक आ गई है। 29 सितंबर के रोज उसी राजघाट पर हजारों किसान, मजदूर, मछुआरे जो सरदार सरोवर से विस्थापित किए गए हैं या जा रहे हैं, लेकिन 33 साल से संघर्षरत होकर जिन्होंने अपना हक लिया है और जो बाकी है वो लेके ही रहेंगे, वो एकत्रित हो रहे हैं। आज राजघाट पुल के 0.5 मीटर पानी नीचे होते हुए पुल बंद करना आसान है सरकार के लिए, लेकिन उस पानी को अगर गांव से को डुबाने से बचाना है गांव को, तो सरदार सरोवर के गेट खोलने के सिवा इनके पास दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। एक बाजू पूरा साल भर सूखी पड़ी नर्मदा, पैदल पार करते रहे लोग, और दूसरे बाजू अब ऊपर के बांधों से हो जलाशयों को यहाँ तक पानी लाकर इस जलाशय को भरने की साजिश, क्योंकि सरदार पटेल पुतले का अनावरण 31 अक्टूबर को है ये घोषित हुआ है, जिसके लिए 72 आदिवासी गांव गुजरात के उजाड़े जा रहे हैं, ये सब चल रही है। किसानों का हक है कृषि उपज के सही दाम का, कर्ज मुक्ति का, मछुआरों का हक है जलाशय के मछली पर, विस्थापितों का हक है पुनर्वास पर, और नदी एक माता सरी है लोगों की, उसको बचाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। आज लाभों की बात भी पूछे तो पीने का पानी कच्छ तक नहीं पहुंचा है सब जगह, और 18 लाख हेक्टर सिंचाई का दावा था, लाखों हेक्टर जमीन खेती की गैर खेती कर दी, उद्योगों को 481 कंपनियों को पानी के अनुबंध किए, ये पूरी स्थिति को सरदार सरोवर का एक साल क्या खोया क्या पाया, और हम क्या लड़ेंगे क्या जीतेंगे क्या ले लेंगे, इस पर ही ये 29 सितंबर को एक बहुत बड़ा जलाशय है जिसमें कलाकार साहित्यकार भी शामिल हो रहे हैं, पर साथ साथ किसानों के मजदूरों के नेता भी, और हम लोग वहीं से अपना अगला संकल्प जाहिर करने वाले हैं। 30 तारीख को इंदौर में हिंदी साहित्य समिति भवन में रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग पर जो बांधों पर बहस है उसमें, और 29 के कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल तक के बांधों का अभ्यास करने वाले, अनुभव करने वाले कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता, विशेषज्ञ, संशोधक, पत्रकार मित्र भी शामिल हो रहे हैं। तो आइए हम सब लोग जुड़े नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ के संकल्प के साथ।